बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सारे खेल का खुलासा कर दिया, साफ कर दिया कि रिपब्लिक टीवी किस तरह टीआरपी चोरी कर रहा था। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई तो चैनल बिलबिला उठा। पहले तो चैनल की तरफ से सफाई आई, फिर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की गीदड़ भभकी दी गई। यही नहीं, रिपब्लिक ने अपना नाम फंसता देखकर इंडिया टुडे टीवी का नाम घसीटने की शुरुआत कर दी। रात में ही मुंबई पुलिस ने साफ किया कि इंडिया टुडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एफआईआर में क्या दिखाई दिया गया और इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला? ऐसा है, एफआईआर में इंडिया टुडे चैनल का नाम लिया गया है, लेकिन उस एक्यूज्ड को जब हमने इंट्रोगेट किया तब उसने इंडिया टुडे का नाम ना लेते हुए रिपब्लिक टीवी, फर्स्ट मराठी और बॉक्स सिनेमा, ऐसे तीन चैनल्स का नाम लिया। तीन चैनल्स के खिलाफ एविडेंस बरामद हुए है। इंडिया टुडे या कोई और चैनल के खिलाफ भी अगर एविडेंस मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से आगे जाएगा। यानी आप कह रहे हैं अब तक आपको इंडिया टुडे चैनल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, हालांकि उनका नाम एफआईआर में लिया गया था। जो एविडेंस आपको मिला वो ये तीन चैनल है, रिपब्लिक और दो चैनल, इसलिए सीपी साहब ने इन तीन चैनलों का जिक्र किया। एग्जैक्टली, अभी तक ये तीन चैनल्स के खिलाफ एविडेंसेस मिला है। रिपब्लिक टीवी ने इस बीच एक और फर्जीवाड़ा किया। तेजल सोलंकी नाम की एक दर्शक का नाम लेकर रिपब्लिक ने ये झूठ फैलाया कि उसे इंडिया टुडे ने फोन किया था। तेजल सामने आई और रिपब्लिक के सफेद झूठ की पोल खोली। आप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार, उस स्टेटमेंट के अनुसार इंडिया टुडे आप देखते हो, उसके लिए आपको पैसे मिले हैं, ऐसा आपने स्टेटमेंट दिया था कभी? नहीं, कभी भी नहीं दिया है। और आप इंडिया टुडे देखते भी नहीं? नहीं, मेरे चैनल मेरे टीवी में आता ही नहीं, क्योंकि वो जो बैलेंस में भरवाती हूँ उसमें इंडिया टुडे जैसे कोई चैनल आती ही नहीं है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को पूछताछ के लिए समन भेजा है, साथ ही देश की दो बड़ी एड एजेंसी लिंटास और मेडिसन को भी समन भेजा गया। मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी सारे एडवर्टीजमेंट्स जो रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी को मिले थे इनके बारे में, और कितना रेवेन्यू इन एडवर्टीजमेंट्स के तहत मिला है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये साफ बताया था कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स इन चैनल्स को मिले हैं इस तरीके से टीआरपी में फेर बदल करने के बाद, टीआरपी को रिग करने के बाद, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और इसीलिए मेडिसन और लिंटास के अफसरों को बुलाया गया है और उनसे उन सारे एडवर्टीजमेंट्स जो इन चैनलों को मिले थे उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे सारी डिटेल्स ली जाएगी। उधर टीआरपी स्कैम के चारों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को इन आरोपियों की चार दिन की रिमांड मिल गई। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, फिर होगा टीआरपी चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।